हेलो एवरीबॉडी एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नेमत और नेमत डॉट खाना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज ब्रेड कटलेट बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ स्टफिंग तैयार की है और आलूओं को बॉईल करके रख लिया है। ये हाफ के जी आलू है जिसे मैंने माइक्रोवेव किया है। ये 800 वाट पर लगभग 8 मिनट के लिए मैंने इसे माइक्रोवेव किया है, फिर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। उसके मैंने चंक्स कर लिए हैं, ज़्यादा मैश नहीं किया है। अब आलूओं में तड़का लगाना है और यहाँ पर मैंने आलूओं के अंदर स्टफिंग के लिए उसकी फिलिंग तैयार कर ली है। तो आप देख सकते हैं लगभग 2 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ ये होममेड छेना है और छोटे क्यूब्स किए हुए टुकड़े हैं, ये भी लगभग 2 टेबल स्पून है। तो ये आलू के साथ मैश हो जाएगा और ये विजिबल रहेगा। और यहाँ पर मैंने 1/4 टी स्पून क्रश चिल्ली लिया है जो कि मेरा होममेड क्रश चिल्ली है और मेरे वीडियो में ये मौजूद है। 1/4 टी स्पून पुदीना की सूखी पत्तियाँ हैं, 1/2 टी स्पून धनिया, 1/2 टी स्पून जीरा पाउडर है। और ज़ीरा पाउडर आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मोटी कुटी हुई काली मिर्च है लगभग 1/4 टी स्पून और 1/2 टी स्पून अमचूर पाउडर है। आप चाहें तो लेमन का रस भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं जिसके के किनारी निकाल दी है। किनारी निकाल देने से इसके किनारे जो हैं जोड़ते वक्त आसानी से चिपकते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने बॉयल मटर लिया है और 2 टेबल स्पून भरकर बारीक पत्तियां मैंने धनिया की काट ली हैं। 1 मोटे टुकड़े में कटी हुई हरी मिर्च है। तो ये तो सारे ब्रेड के अंदर जाने वाले स्टफिंग हैं। अब इनको मैं एक जान कर लूँगी और आलू के साथ मिला लूँगी। एक पैन में 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल गरम करें और उसमें 1/2 टी स्पून ज़ीरा डालें, साथ ही 1/2 टी स्पून सरसों का दाना डालें और 1 लाल मिर्च डालें और इसको अच्छी तरह चटकने दें। करी पत्ता डाल दें, अब ये चटक चुका है, इससे आप अपने आलूओं में डालें। नमक डाल दें। अब यहाँ पर बाकी दूसरी चीज़ें भी शामिल कर लें जो मैंने पहले से तैयार कर रखी थी। इन्हें चम्मच से हल्के हाथों से मिला लें इस तरह के आलू बहुत ही मैश ना हो जाए। देखिए आप देख सकते हैं ये कितना चटपटा सा आलूओं की फिलिंग तैयार हो रही है। अब एक बोल में पानी भरकर रखें और उसमें अपने ब्रेड के स्लाइसेस को डुबा दें। अब दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इसके पानी को बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ दें। इसे इतना निचोड़ दें कि ये बिल्कुल निचोड़कर पेपर नैपकिन जैसा हो जाए। अब इसके अंदर एक कटोरी सा बना लें और उसमें अपने आलूओं वाली फिलिंग को भरें। इस तरह से इसे भर लें और आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए आलूओं के खुले हिस्से पर भी ब्रेड की कोटिंग कर लें। इस तरह का कटलेट तैयार कर लें। ध्यान रहे कि आप इसे बहुत देर तक धीरे धीरे फैलाते रहें क्योंकि ब्रेड में फैलने की बहुत गुंजाइश होती है। अब ये तेल में डालने पर बिल्कुल भी क्रैक नहीं करेगा और आप इसे बड़ी आसानी से तल सकते हैं। इस तरह से सारे कटलेट बना लें और पहले से गर्म किए हुए तेल में इन्हें डीप फ्राई कर लें।
इस तरह से मीडियम टू लो हीट पर इसे थोड़ा वक्त देते हुए लाइट ब्राउन कर लें। बस यूं समझें कि इसमें तो हर एक चीज़ पकी हुई है, बस इसे कलर देना है। अब कटलेट्स में मेरे पसंद के मुताबिक बादामी रंग आ चुका है, इसे ज़्यादा डीप ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करें वरना ये खाने में तलख हो जाएगा। तो इसे एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। आप इसमें सीज़न की कोई सी भी अपने पसंद की सब्ज़ी भर सकते हैं। अब इसे निकाल लें। तो देखिए ये आसान सी कटलेट बनकर तैयार है। और अगर आपने इस कटलेट को एंजॉय किया हो, इसके बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।